ये कोई लड़कियां होना ये कोई ऐब की बात नहीं है। इस दुनिया में जब से आदम अलैहिस्सलाम आए और आज तक सबसे बड़ी हस्ती कौन है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनकी औलाद में कितने बेटे थे, कितनी बेटियां थी? बेटे भी अल्लाह ने दिए थे, लेकिन बेटे बच्चे नहीं, फौत हो गए। उनकी सिर्फ बेटियां बची थी जिनकी शादियां की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हमारे नबी जो पूरी दुनिया में सबसे अफजल तरीन इंसान है, देखिए बेटियां होने का मतलब नहीं कि वो अल्लाह की नजर में कोई बदनसीब इंसान है ना। बेटियां होने का यह माना नहीं कि वो आदमी बुरा है। अल्लाह के नबी सबसे अच्छे, पूरी कायनात में सबसे अफजल, लेकिन उन्हें जो औलाद मिली, जो औलाद जिंदा रही बची, वो सिर्फ बेटियां। उनकी नस्ल आज जो जिंदा है, नस्ल आगे बढ़ी, वो बेटियों से बढ़ी है, बेटों से नहीं। और बहुत सारे नबियों का भी यही हाल रहा है कि अल्लाह ताला ने उन्हें बेटियों से नवाजा है। इमाम अहमद रहमतुल्लाह के हवाले से एक वाकया मिलता है, पता नहीं कहां तक सही है, कि एक शख्स उनके पास आया और ये कहते हुए कि मेरी तो सिर्फ लड़कियां हैं, मुझे लड़के नहीं मिल रहे हैं, अल्लाह ताला मुझे लड़के नहीं दे रहा है। तो इमाम अहमद रहमतुल्लाह ने फरमाया कि इसमें परेशान होने की क्या बात है, अंबिया अलैहिस्सलाम ये लड़कियों के बाप बने हैं, यानी अंबिया अलैहिस्सलाम जो दुनिया में आए उनमें बहुत सारे नबी ऐसे हैं जिनकी सिर्फ बेटियां हैं, तो सिर्फ बेटियों के बाप होना ये तो नबियों की अलामत है, सिर्फ बेटियों के बाप होना ये कोई ऐब की बात नहीं, ये तो अंबिया अलैहिस्सलाम की निशानी है। तो तुम्हें तो इस बात से खुश होना चाहिए कि तुम्हारे अंदर एक ऐसी खूबी है, ऐसी क्वालिटी है जो अल्लाह के नबियों से मैच करती है, तो ये तो अफसोस करने की बात नहीं है, इसमें तो कोई दुखी होने की बात नहीं है। तो ये चीज भी ज़हन में रखें कि बेटियां कोई मुसीबत नहीं होती, या उस आदमी के बुरे होने की दलील नहीं अगर किसी को अल्लाह ताला बेटियां दे रहा है। तो ये सबसे पहली बात मैं कह रहा था कि अगर अल्लाह ताला बेटियां दे रहा है तो हमें उसका इस्तकबाल करना चाहिए।